मैं अभी जिस दिन पूरणमासी गया, पूरणमासी के एक दिन पहले मैंने गुरु गोरखनाथ चौकी दिल्ली NCR, उस अचानक मैंने यूट्यूब देख रही थी, देखते देखते मैंने देखा गुरु जी श्री गुरु गौरव राणा जी ऑनलाइन पे हैं, तो मैंने भी जुड़ गई अचानक, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ और इतनी परेशान थी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, और सच पूछिए तो मेरा माइंड इधर उधर भागता है, और मतलब घर में इतने कलेश, मैं क्या बताऊँ, तो परेशान बहुत ही हूँ। तो गुरु जी को मैंने कुछ मतलब ऑनलाइन में मैंने पूछा दी किया तो उन्होंने पूछा दिया मुझे कि अरदास लगाओ तुम, और ऐसा है ये ग्रहण काल में कुछ उपाय है, सभी लोग करते हैं करेंगे, जिनके जिनके मन करते हैं वो करें, तो मैंने भी किया। दूसरा दिन जो उपाय उन्होंने बताए थे मैंने एकदम किया है। जब मैंने कलश स्थापित करके मैंने पूजा किया, पूजा का जितने सारे फूल था पूजा किया, और जो कलश स्थापित है मेरा जहाँ पे उस दिन के लिए, उस रात के लिए खाली पूजा किया मैंने, उस रात को सारी पूजा किया, और कलश के नीचे मैंने सारे पूजा का फूल वहीं मंत्र पाठ करती रही और वहीं रखती रही। उसके बाद पूजा हो गया, उसके बाद मैंने जाप में बैठी, काफ़ी टाइम मेरा जाप हो गया, करीबन 1 घंटा। तब तक माँ का कोई कुछ देखा ही नहीं। तो उसके बाद मैंने जब नवान मंत्र पाठ कर रही थी जाप, तो जब जाप कर रही थी, जब 9 माला हो गया, तब मैंने माँ से बात करी कि माँ मुझ पे कृपा नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, दर्शन दो मुझे। उसके बाद 9 माला ख़त्म कर दी, 10वां जब एंडिंग, 10वां भी एंडिंग हो गया, 11वां जब हो रहा है, जब 11वां माला जब नवान मंत्र का हो रहा है, तब मैंने देखी फूल अचानक, जितनी सारे फूल थी सब फूल अचानक इधर उधर इधर उधर धीरे धीरे थोड़ा बिखरने लगा। अचानक सारे फूल, एक नहीं सभी फूल, जितनी सारे फूल था वहाँ पे पूजा किया मैंने, सभी फूल को। अच्छा फिर मैं समझ गई, तो माँ का कृपा मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने फिर जाप कर ही रही हूँ, मन ही मन माँ से बातें कर रही हूँ। तो उसके बाद 11वां माला मेरा ख़त्म हो गया, 11वां माला जब ख़त्म हो गया, माँ का जो फोटो था जो मैंने माला चढ़ाई थी उनको, ये मैंने देखी माला, जब मैंने माँ से बात कर रही हूँ, मन ही मन बात कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, तो देख रही हूँ माला, माँ का जो दाहिने साइड का है, दाहिने साइड का माला माँ का फोटो से धीरे 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 नीचे उतर रहा है। ठीक है, वो एक ही साइड का, जब अब तक मेरा कोई माला 1 घंटा से ऊपर 1.5 घंटा हो गया, तब तक कुछ भी हिला नहीं था। उसके बाद माला भी जब हुआ तो मैंने बहुत खुशी मिली मुझे, सुकून मिल गया। और एक बात है, ज्योत मैंने जब जलाई थी, ज्योत जलाने के बाद जब जब जल रहा था जाप में, मैंने देखी धीरे धीरे ज्योत का जो मतलब दिया में जो लौ था वो धीरे धीरे पूरा स्टार बन गया, पूरा स्टार, और उसमें स्टार में भी थोड़ा थोड़ा देखा चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बिंदी 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 बिंदी, एकदम पूरा रोशनी, और रोशनी चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ रोशनी जा रहा था, और रोशनी पूरा स्टार हो गया, स्टार में थोड़ा थोड़ा गोल 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 बिंदी हो गया पूरा, और थोड़ा पिट 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 आवाज आ रहा था। और उस कमरे में मैं तो अकेली थी, उतना बड़ा फ्लैट पे मैं अकेली ही थी, क्योंकि एकांत में करने के लिए श्री गुरु गौरवनाथ जी ने मुझे बताए थे, तो मैंने किया। और कुछ आवाज़ भी आ रहा था, और कुछ आवाज़ आ रहा था, लग रहा था कोई इंसान जैसे सांस चलता है, ऐसे मुझे महसूस हुआ, सांस चलता है जैसे
कोई बैठे हैं, लेकिन हाँ मैं डरी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं था, ये मुझे पूरी महसूस हुआ, कोई नेगेटिव एनर्जी किसी तरह का नहीं था वहाँ पे। मुझे पूरी महसूस हो रहा था कि देवी माँ वहाँ पे है। माँ के सारे फूल जब बिखर गया, उसके बाद माला बिखर गया, माला धीरे धीरे गिरी है, उसके बाद माँ के चरणों में, जो फोटो में चरणों में फूल दी थी, वो फूल वहाँ से थोड़ा आगे आ गया, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर जोत भी, जो मैंने दिया भी जलाई थी, वो भी मैंने पूरा स्टार देख गया और पूरा गोल 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 पूरा राउंड हो गया, और एकदम पूरा रोशनी, एकदम स्टार का जो रोशनी फोकस होता है वो फोकस हो रहा था, और सांस भी चल रहा था, किसी को आवाज़ आ रहा था, मुझे लग रहा था पूरी कि हाँ कोई है, कोई सांस ले रहे हैं वहाँ पे, ये तो पूरी महसूस हुई मुझे। लेकिन मैं डरी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं था, ये मुझे महसूस हुआ। माँ का अनुभव मैंने इसी तरह से अकेले में पहली बार किया है। हाँ, गुप्त नवरात मैं करती हूँ, गुप्त नवरात भी करती हूँ अकेले ही रूम पे, लेकिन वहाँ पे मेरे सब फैमिली होते हैं। ये गुरु जी गौरव राणा जी मुझे ये आदेश किया, उनकी श्रीमुख से उन्होंने जो आदेश किया उन्होंने, मैंने उसी तरह किया, और उन्होंने बोला माँ का दर्शन आपको ज़रूर प्राप्त होगा, आप करिए, तो मैंने करी थी। तो मैं इसी के संग मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, जितनी सभी संगत हैं, माँ की कृपा अपरंपार होता है, खाली समझ में आना चाहिए, माँ सबकी सुनती है, माँ तो एकदम, माँ तो माँ ही है, और माँ किसी बच्चे को मतलब निराश नहीं करते हैं, निराश नहीं करते माँ, ज़रूर माँ एक दिन साक्षात दर्शन भी मुझे देंगे। ये सवाल भी मैंने जब किया, वो फूल आगे आया, सबसे मेन बात ये है, वो फूल जब मैंने माँ से सवाल किया माँ साक्षात दर्शन होगा कि नहीं, तो माँ ने वो माला जब गिराया और फूल आगे आया, माँ का चरणों का फूल, अचानक कम से कम एक उंगली गैप आगे आ गया, तो मुझे पूरी महसूस है कि माँ है। और ये गुरु गोरखनाथ चौकी जो है बहुत सच्चा दरबार है, और गुरु का आदेश भी बहुत निराला है। मैं गुरु जी को साक्षात प्रणाम करती हूँ, श्री गुरु गौरव राणा जी को मैं प्रणाम करती हूँ, श्री गुरु गोरखनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ, हर हर महादेव, जय माँ महामाई दुर्गे देवी, माँ महाकाली माँ, जय माँ काली माँ। इसी के संग मैं अपने वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ।